नमस्कार, रात के 11 बजे और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला फाइनल प्राइम टाइम का। दिल्ली में कहां मिले शव, पीएम के दौरे से पहले कहां मिला 1000 किलो विस्फोटक, इसके अलावा आपको अब आगे बुलेटिन में दिखाएंगे पीएम मोदी के वो 11 हमले जिससे तिलमिला उठा पूरा विपक्ष। लेकिन सबसे पहले 2 मिनट में देखिए आज की टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस। लखनऊ से दो बाइकों की टक्कर की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। टक्कर होते ही दोनों बाइक सवार हवा में उछल गए और सड़क पर गिर गए। बाइकों के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा सड़क पार करते वक्त हुआ है। तेज रफ्तार में जुल्फों की तरफ बाइक लहराने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। गाड़ियां आ जा रही हैं और उनके बीच ये लड़की खतरनाक ढंग से बाइक लहराती है। तभी अचानक साइड से जा रहे कपल से उस लड़की की बाइक टकरा जाती है। कपल रोड पर गिर जाता है और लड़की अपनी मस्ती में आगे बढ़ जाती है। ये वीडियो भारत का नहीं ब्राजील का बताया जा रहा है। वीडियो को देखकर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद का बताया जा रहा है, जहां शोहदे की छेड़खानी से परेशान दो छात्राओं ने मिलकर युवक की जमकर कुटाई की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि छात्रा युवक की लात घूसों से पिटाई करते हुए नजर आ रही है। लड़कियों का कहना है कि आए दिन युवक छेड़खानी करता था, जिससे परेशान होकर छात्राओं ने युवक की पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हिरन झील को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी दौरान झील के अंदर मौजूद मगरमच्छ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ये जानते हुए भी कि हिरन पूरी मस्ती के साथ झील को पार करने में लगा है और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, वैसे ही मगरमच्छ ने उसे अपने जबड़े में दबाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हिरन पानी से बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जंगल के बीच सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं, जिन्हें देखकर हिरन सड़क के किनारे से जंप करता है और सड़क पार कर झाड़ियों के बीच जाकर रुकता है। हिरन का हाई जंप देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं। देखने वालों को यकीन नहीं हो रहा। हिरन के ये हाई जंप को देखकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में दो शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक घर से जिम ट्रेनर और छात्रा का शव मिला। जिम ट्रेनर विजय का शव पंखे से लटका हुआ मिला। कमरे में बेड पर मिला लड़की का शव। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दिल्ली के कीर्ति नगर का ये मामला है, जहां पर एक घर से दो शव बरामद हुए। कमरे में एक जिम ट्रेनर का शव मिला और साथ ही एक युवती का भी शव मिला। मामले की जांच में पुलिस लगी हुई है। पेरू में भी त्राही त्राही मचा हुआ है। चिली धधक रहा है और ब्राजील में माफियाओं ने आतंक मचा रखा है। 2 मिनट में देखिए दुनिया की बड़ी खबरें। ये तस्वीरें पेरू की है, जहां कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। चारों तरफ मिट्टी के ढेर हैं। आप जिधर जिधर नजर घुमाएंगे आपको दलदल ही दलदल नजर आएगा। मडस्लाइड के बाद पूरा शहर तबाह हो गया है। हालांकि अब प्रशासन ने सड़कों से मलबा उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन तस्वीरें देखकर ये साफ समझ आ रहा है कि हालात वापस से सामान्य होने में अभी काफी वक्त बाकी है। तस्वीरें एक बार फिर चिली से सामने आई है, जहां जंगलों की आग ने ऐसी तबाही मचाई कि 3,10,000 से ज्यादा हेक्टेयर के जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। इस भीषण आग से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घर जलकर राख हो चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जंगलों की आग किसी भी वक्त उनके घर तक पहुँच सकती है। ब्राजील से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी में एक नाव तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है, जबकि नाव पर सवार सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हाथ में हथियार लिए जवान दूसरे नाविकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने ओवरटेक करते हुए 3 बोट जब्त कर ली। जब्त की गई नाव में 5,000 लीटर तेल, 2 बंदूक और माइनिंग से जुड़े टूल्स मिले हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन 36 दिनों बाद मिलिट्री परेड में देखा गया। इस दौरान किम जोंग अपनी 9 साल की बेटी जू एई और पत्नी री सोल जू के साथ नजर आया।
इसके साथ ही मिलिट्री ड्रिल समारोह में किम जोंग उन कई मौकों पर अपनी बेटी का हाथ थामे रखा। लोगों का मानना है कि किम जोंग उन अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी को तैयार करना शुरू कर चुका है। एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुतिन के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनएसए डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम करते रहने पर सहमति बनी। बता दें कि डोभाल 2 दिवसीय रूस यात्रा पर है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले दौसा में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक छोटे ट्रक को पकड़ा, जिससे बोरों में भरा विस्फोटक बरामद हुआ। पुलिस ने विस्फोटकों को जब्त कर लिया है। आरोपी राजेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को ये कामयाबी भांकरी रोड पर मिली। पुलिस ने करीब 1000 किलो विस्फोटक बरामद किया है, जिसमें 65 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 360 विस्फोटक और 13 कनेक्टिंग वायर शामिल हैं। तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि विस्फोटकों की कितनी बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है। इन तमाम बोरों में विस्फोटक भरे हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में लगी हुई है। और अब 2 मिनट में देखिए देश भर की आज की बड़ी खबरें। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि हमने 5 साल पहले जो वादे किए थे वो वादे पूरे कर दिए हैं। बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण की मूर्ति का अनावरण किया। अब जब आप लखनऊ जाएंगे तो लक्ष्मण जी की मूर्ति भी दिखेगी। लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु पहले प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण के दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या में प्रभु राम के। ये मूर्ति लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लगी है। ब्रॉन्ज से बनी ये मूर्ति 12 फीट की है, जो 6 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर लगाई गई है, यानी जमीन से करीब 18 फीट ऊंची दिखाई देगी। देहरादून में पुलिस के साथ भर्ती घोटाले के मामले में छात्रों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल ये युवा सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े थे, जिसके बाद ये प्रदर्शन और लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने अब छात्रों की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की, तो वहीं छात्र घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे ऑटो में सवार होकर घर जा रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। आप सरकार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई आर पार की हो गई है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आईटीओ से लेकर सचिवालय तक मार्च निकाला। यह प्रदर्शन जासूसी कांड को लेकर किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार उनके नेताओं की जासूसी कर रही है। बड़ी खबर बागपत से है, जहां शादी में खाने को लेकर बवाल हो गया। खाने में पनीर नहीं मिलने पर बाराती बिफर गए और देखते ही देखते बाराती घरातियों में लात घूंसे चलने लगे। सड़क पर गिराकर एक दूसरों को जमकर पीटा गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आज फुल ब्लास्ट भाषण दिया। भाषण ऐसा कि जैसे कांग्रेस पर आज सर्जिकल स्ट्राइक हो गई हो। परिवार पर पीएम मोदी ने स्ट्रेट अटैक किया। पंडित नेहरू का भी नाम लिया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी। पीएम मोदी ने शुरुआत ही कांग्रेस के 60 वर्षों के राज से की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज 60 वर्षों का कच्चा चिट्ठा खोलने आया हूं, और छाती ठोक कर कहा, एक अकेला आज सब पर भारी। देख रहा है एक अकेला कितनों को
भारी पड़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद से संसद में हंगामा और सिर्फ हंगामा। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछे। खुद पीएम मोदी ने पहले लोकसभा और फिर आज राज्यसभा में विस्फोटक भाषण दिया। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको जगह दी। और आज के पीएम मोदी के भाषण की जो सबसे प्रमुख बात रही वो ये कि देश देख रहा है, एक अकेला सब पर भारी है। आजाद भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला सब पर भारी का आज सबसे ज्यादा भार कांग्रेस ने महसूस किया। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में कांग्रेस के भूत, भविष्य और वर्तमान की हर कलाई खोलने के मूड से दाखिल हुए। उन्होंने राज्यसभा में बिना किसी का नाम लिए कह दिया कि आपका काम सिर्फ कीचड़ उछालने का है। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। राज्यसभा में पीएम की कथनी बिल्कुल आईने की तरह साफ थी। वो ये कि आपके आरोप निराधार है और कीचड़ से ज्यादा कुछ नहीं, और वही कीचड़ आपने मुझ पर उछाल दिया, लेकिन मेरे पास गुलाल है। लेकिन पीएम मोदी के गुलाल का रंग इतना चटक कि राज्यसभा में मौजूद कांग्रेसी लाल हो गए। क्या प्रधानमंत्री कोई शोभा देता है कि संपूर्ण विपक्ष 10 लाख करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला कहा जा रहा है उसकी जांच ना कराए जेपीसी से, और एक शब्द भी उस पर ना बोले। जितने विरोधी दल के नेता बोले थे, आप सबके भाषण निकलवा के देख लीजिए, ये अडानी का मुद्दा उठा था। इस पर प्रधानमंत्री की खामोशी क्या उनके अपराध बोध को नहीं गवाही देती? तो निश्चित रूप से जब इतना बड़े मुद्दे पे देश लुटता रहे तो विपक्ष खामोशी के साथ बैठकर इनका भाषण नहीं सुनेगा। कांग्रेस नेताओं ने शायद ये सुना नहीं कि पीएम मोदी ने पहले लोकसभा और आज राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठे आरोपों की राजनीति करती और उनकी इस झूठ की सियासत, उनका कीचड़ उछालना बीजेपी के लिए मददगार। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सामान्य मानवीय के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने तो राज्यों की अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं। पीएम मोदी ने गले को तर किया और फिर शुरू किए कांग्रेस भेदी बात। निशाने पर थी कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने सालों तक देश पर राज किया। और शायद पहली बार है कि जब पीएम मोदी का कांग्रेस की इंदिरा गांधी पर स्ट्रेट अटैक हो। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का
सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। पीएम के निशाने पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू भी आए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के फैसले तब भी पसंद और नापसंद से होते थे। लोकतांत्रिक सरकारें पसंद और नापसंद पर गिरा दी जाती थी। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे, कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गर्व। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। पीएम ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की तमाम साजिशों को समझ चुकी है और सजा दे रही है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं, जिसमें हितधारक सबको उनके हक में ले, देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं, और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। और तो और, आज पीएम मोदी ने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नेहरू के वंशज तो उनके नाम का इस्तेमाल तक नहीं करते, और पूछा कि आखिर नेहरू सरनेम पर किस बात की शर्म। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। राज्यसभा में पीएम मोदी ने हिसाब दिया, पूरा हिसाब दिया, और हिसाब ऐसा कि उन्होंने 2047 तक का खाका खींच दिया। पूरे देश की बात की, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों या फिर समंदर के बीच अंडमान। उन्होंने कल लोकसभा में भी और आज राज्यसभा में भी अपने 9 साल के काम का लेखा जोखा दिया। हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। पीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर है, और उसी रास्ते पर चलते हुए जन जन का विश्वास और भरोसा हासिल किया। हमने जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है। प्रिय लग जाए, आराम कर ले, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कल कांग्रेस शासन के 60 सालों का हिसाब दिया। कहा कि देश की नींव कांग्रेस राज ने रखी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के उस हिसाब का, उस 60 साल की नींव की मजबूती देश के सामने रखी। आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन
लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। कांग्रेस पर पीएम मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक से कांग्रेस तो चोटिल है ही, लेकिन समस्त विपक्ष घायल है। जवाहरलाल नेहरू जी की इकलौती बिटिया थी, उन्होंने शादी गांधी फिरोज गांधी जी से की थी, तो उनका सरनेम अडॉप्ट किया था। अगर उनको ये परंपरा नहीं पता है, ये उनको पता नहीं है कि क्या संस्कृति है, तो मैं उसमें क्या चर्चा करूँ? जवाब दूँ, आप कह रहे हैं हम भारी हैं, हम सबको पटक देंगे। अरे भाई कुश्ती थोड़ी हो रही है, आप प्रधानमंत्री हो यार देश के, ये क्या बात है? संजय सिंह जी, शायद आप समझे नहीं कि पीएम मोदी ने अखाड़े के दांव पेंच की बात नहीं की, अपने 9 साल के कार्यकाल की सफलता की बात की। उन्होंने देश के 25 करोड़ परिवारों के विश्वास और भरोसे की बात की, वो भरोसा जो उन्हें लोकतांत्रिक दंगल में विजय का आशीर्वाद देता है, जिसके बल पर पीएम मोदी ने सिर्फ 2024 के आम चुनावों का नहीं, साल 2047 तक के नतीजों का ऐलान कर दिया। आज राज्यसभा में एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है कहकर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा ही सेट कर दिया हो, वहीं दूसरी ओर पीएम के भाषण के दौरान अडानी मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी रुकी ही नहीं। सवाल पब्लिक का शो में आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस भी हुई और आज ये वन ऑन वन दोनों के बीच में कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखते हैं। और अखिलेश प्रताप सिंह, दो दिन आपने प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सारे जवाब सुने, कामकाज का ब्यौरा, क्या क्या देश में हुआ उसका ब्यौरा, कल वॉकआउट, आज हंगामा। अगर कांग्रेस जवाब सुनना ही नहीं चाहती तो फिर संसद का अर्थ ही क्या है? संसद में बहस के लिए बैठकें होती हैं और जो बात संसद में उठाई जाती है, देश और संसद में बैठे लोग अपेक्षा करते हैं कि उसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। लेकिन पहली बार है भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री पे इतने गंभीर आर्थिक मामलों के, अपराध के आरोप तथ्यात्मक सहित उन पे लगाए गए, उनसे पूछे गए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई दी, ने खंडन किया। क्यों 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 स्वीकार रहे हैं कि हां सब कुछ हमने किया है? क्योंकि किया है। कुछ उनके पास सत्य होता ये कहने को कि ये आरोप निराधार हैं या गलत हैं तो उन्हें वो बोल पाते। तो सदन में जब कोई विपक्ष का नेता बहस करेगा तो पूरी ट्रेजरी बेंच खाली रहेगी और जिस जवाब जो आप सब विपक्ष का यही लोकतांत्रिक और संवैधानिक धर्म और अधिकार है कि वो सरकार से सवाल करे जनहित के, देश के जो समस्याएं हैं उस पे, और उसका जवाब नहीं आता है। देखिए नाविका जी, आज मैं सदन में था, बहुत दुखद कष्टकारक दृश्य था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक गरिमामय परंपरा है सदन में कि राष्ट्रपति, क्योंकि जब संसद की परिभाषा भारतीय संविधान में है वह है राष्ट्रपति और फिर दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्यतः चर्चा सामान्य रूप से होने दी जाती है और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो हमेशा से विपक्षी विरोध करिए, विरोध करना आपका धर्म है, आपने जो कहना था वो कहा, सदन के पटल पे पूरा मौका दिया गया, उसके बाद जिस ढंग से वातावरण कैकोफोनी, चीर चिल्लाना पूरे समय फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट, ये अपने आप में बहुत दुखदायी था। और आज का दौर यह आ गया अखिलेश जी, किसी जमाने में कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो गया, मगर सदन के अंदर तो दिखाई पड़ा मोदी वर्सेस रेस्ट। एक तरफ सारे विपक्ष के लोग नाना प्रकार का शोर शराबा कर रहे थे और अकेले इधर मोदी जी थे, और उनकी स्थिति जानते क्या है? वो जो पंक्ति है ना, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम ने कांग्रेस से सीधा सवाल पूछ लिया कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं रख लेते। इससे उन्होंने एक तरफ राहुल गांधी पर निशाना साधा, साथ ही परिवारवाद पर भी करारी चोट की। इसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आज आमने सामने आए।
मैं राउंड टू की बात करती हूँ। आज राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री ने कहा, नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते, नेहरू सरनेम नेहरू डायनेस्टी के लोग क्यों नहीं रखते, ये मुद्दा उठाया। अखिलेश प्रताप सिंह जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। हमको तो इसमें प्रतिक्रिया देने में भी ग्लानि आ रही है, क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री के इतनी ओछी बातों का जवाब देके उनकी मर्यादा को हमने गिराना चाहते हैं। हमें भी शर्म आ रही है कि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इतनी ओछी बातें, इस लेवल की बातें। ये जग जाहिर है, प्रकृति का नियम है कि जब कोई पद पा लेता है तो उसकी इच्छा होती है कि प्रतिष्ठा भी पा लें। तब नेहरू गांधी से जलन इसलिए है कि वो इतना आदर से क्यों इस दुनिया में नाम लिए जाते हैं। मोदी जी को भी मजबूरी ही है, या कहिए मजबूती है नेहरू और गांधी की, कि विदेशों में इन्हीं के नाम का सहारा लेना पड़ता है कि हम उस देश से आए हैं जिस देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे, जिस देश के महात्मा गांधी थे, चाहे यूएन हो चाहे विदेश हो। आज देखिए, अगर ये जो उन्होंने बात कही कि इतना आदर है पंडित नेहरू जी का, प्रशंसा की प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो सदन में था, उन्होंने कहा इतना बड़ा व्यक्तित्व नेहरू जी के लिए कहा, तो फिर ये बताइए राहुल गांधी जी के फादर अपने ग्रैंड फादर का सरनेम क्यों नहीं यूज करते हैं? भाई इतना विराट व्यक्तित्व है, उसके प्रति इतना आदर भाव है, तो वह समादर आपके सरनेम में क्यों परिलक्षित नहीं होता है, यह बता दीजिए। इसमें कौन सी ओछी बात है? यह तो आपके सम्मान में एक प्रशंसा की बात है, यह तो आपकी शान में कसीदा पढ़ा गया है, इसमें गुस्ताखी क्यों नजर आ रही है? आशी की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए भी नहीं चलेगा। पॉलिसी बाजार में 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। वाराणसी की मंडवाड़ी में रजाई की गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। बागपत में एक शादी समारोह में खाने के अंदर पनीर न मिलने पर भड़के बाराती, जमकर चढ़े लात घूसे, पुलिस ने किया लाठी चार्ज। मैनपुरी में आवारा गौवंशों से परेशान हुए किसान, ग्रामीणों ने गौवंशों को सरकारी स्कूल में बंद किया। 3 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंची अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, भारतीय परिधान में गंगा आरती में हुई शामिल। राजस्थान के पाली में ट्रैफिक देख भर्ती घोटाले के विरोध में देहरादून में युवाओं का प्रदर्शन, घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। देहरादून में प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज, भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने चलाए लाठी डंडे। देहरादून में प्रदर्शन के बीच छात्रों के पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। जोशीमठ के विष्णुप्रयाग में नदी के किनारे फंसे दिल्ली से आए दंपति, एसडीआरएफ के जवानों ने दंपति का रेस्क्यू किया। अमृतसर में ड्रग्स तस्करी के आरोप में नाबालिग गिरफ्तार, करीब 9 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद। कोलकाता के गड़ियाघाट में कार से 1 करोड़ रुपए बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा के बीच बनेगी भारत की पहली अंडरसी सुरंग, 21 किलोमीटर लंबी होगी सुरंग। श्रद्धा हत्याकांड मामले में देरी को लेकर गृहमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं पिता विकास वालकर, कहा जेल में आरोपी को पालने के बजाय सजा दी जाए। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में फंदे से लटका मिला जिम ट्रेनर का शव और उसी कमरे में बेड पर मिली 25 साल की युवती की लाश। रतलाम में तेज रफ्तार डंपर का कहर, बाइक से टक्कर के बाद महिला को रौंदा, महिला की मौके पर ही मुहरी मौत। भोपाल में चर्चा में आई एक शादी, दादाजी की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से निकाली बारात, लोगों की लगी भीड़। इंदौर में थाने के रिकॉर्ड को चूहों ने किया तहस नहस, मामले की जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। भोपाल में 2 लोगों के घर वापसी की खबर, ईसाई धर्म में जाने वाले 2 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी बनाने के बीच बिना जानकारी मोहल्ले का बदला नाम, हिंदूवादी संगठन के विरोध पर हटाया बोर्ड। चेन्नई में करीब 18 किलो सोना जब्त, जब्त सोने की कीमत 10 करोड़ से अधिक, श्रीलंका से नाव के जरिए तमिलनाडु आया सोना। बाल विवाह पीड़ितों के लिए जल्द पुनर्वास नीति लाएगी असम सरकार, बाल विवाह के आरोप में पुलिस ने हजारों लोगों को किया है गिरफ्तार। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, सेना ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। किश्तवाड़ में सेना ने गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट किया, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल पहुंचाया।
सोशल मीडिया पर चल रही गलत जानकारी के लिए बागेश्वर बाबा ने किया आगाह, का ऑफिशियल चैनल से आ रही जानकारी पर ही करें भरोसा। संसद में प्रधानमंत्री का विपक्ष को बड़ा जवाब, कहा देश देख रहा है, एक अकेला सफर भारी पड़ रहा है। नेहरू नाम को लेकर बोले पीएम, कहा नेहरू का सरनेम रखने में इनको शर्मिंदगी क्यों होती है, देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। गांधी परिवार पर प्रधानमंत्री का डायरेक्ट अटैक, आज 600 सरकारी योजनाएं गांधी नेहरू के नाम पर, योजनाओं में परिवार का नाम न होने से उनका खून गर्म। यूपीए सरकार पर पीएम का निशाना, कहा वो कौन सी पार्टी थी जिसने 356 का दुरुपयोग किया, इंदिरा गांधी ने 50 बार चुनी सरकार गिराई। पीएम ने हमला बोलते हुए कहा एमजीआर करुणानिधि की सरकार कांग्रेस ने गिराई, 1980 में पवार की सरकार गिराई, एनटीआर विदेश में थे तब उनकी सरकार गिराई। विपक्ष के हंगामे को लेकर बोले पीएम, कहा सदन की बात देश गंभीरता से सुनता है, उनके पास कीचड़ तो मेरे पास गुलाल। कांग्रेस पर बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस को हर मौके पर जनता सजा देती है, बार बार की हार के बाद भी कांग्रेस में कोई सुधार नहीं। कल लोकसभा में जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बजट को लेकर रखेंगी सरकार का पक्ष। राजीव शुक्ला ने पीएम मोदी के दावे पर उठाए सवाल, कहा अपने नामांकन में इंदिरा नेहरू गांधी नहीं लिखा। पीएम के बयान पर प्रमोद तिवारी का जवाब, कहा विपक्ष खामोशी से बैठकर नहीं सुनेगा भाषण। पीएम पर संजय सिंह का बयान, कहा प्रधानमंत्री ने कहा सब पर भारी है, यहां कुश्ती थोड़ी न चल रही है। प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा यह साफ साफ करप्शन है, मोदी जी को परंपरा नहीं पता। पीएम मोदी के बयान पर जदयू का पलटवार, कहा बीजेपी आरएसएस की आजादी में कोई भूमिका नहीं, उनके नाम पर कैसे होगी योजना। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा चेयरमैन को लिखा पत्र, राज्यसभा में दिए गए बयान हटाने पर लिखी चिट्ठी। रायपुर में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, भारी संख्या में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। कल मुंबई दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, दाऊदी बोहरा समुदाय के शैक्षणिक सेंटर का करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे से पहले दौसा में करीब 1000 किलो विस्फोटक बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पीएम के राजस्थान दौरे से पहले सचिन पायलट ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पीएम से ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की अपील की। अगरतला में विजय संकल्प रैली में शामिल हुए जेपी नड्डा, कहा त्रिपुरा को लेवी राज से छुटकारा दिला दिया। सीएम केजरीवाल ने 16 फरवरी को एमसीडी की बैठक बुलाने की मंजूरी दी, उपराज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव। जासूसी वाले आरोप पर मनीष सिसोदिया का तंज, कहा अगर बड़े बड़े लोग भी मुझसे डरने लगे हैं तो लगता है हम भी मोदी के बराबर हो गए। दिल्ली एलजी की महिला सुरक्षा टास्क फोर्स के साथ बैठक, अलग अलग मुद्दों को लेकर जारी किए निर्देश। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में संस्कृति परंपरा से रूबरू होंगे मेहमान, ड्रोन शो में दिखेगी आधुनिक होते यूपी की झलक। यूपी इन्वेस्टर समिट से पहले निवेशकों और फॉरेन डेलीगेट्स के लिए डिनर का आयोजन, सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद। लखनऊ में सीएम योगी ने किया लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे मौजूद। बहराइच और गाजीपुर का नाम बदलने की मांग को लेकर बोले जितिन प्रसाद, कहा लोकतंत्र में सभी को अपनी मांग रखने का अधिकार। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के समीप रेलवे लाइन के किनारे बसी मुस्लिम बस्ती होगी ध्वस्त, रेलवे ने चिपकाया नोटिस। यूपी बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम का बयान, पश्चिमी यूपी बन रहा है मिनी पाकिस्तान, सपा लेकर आ रही है जिन्नावादी सोच। अखिलेश यादव को यूपी सरकार पर आरोप, कहा बीजेपी सरकार में माफियाओं का बोलबाला। रामचरितमानस पर बोले केरल के राज्यपाल, कहा मतभेद होना लोकतंत्र का लाजमी हिस्सा है। कल आएगा राजस्थान सरकार का बजट, 7 नए जिले और 500 रुपए में गैस सिलेंडर पर फोकस रहने की उम्मीद। बीजेपी की यात्रा को पन्ना के डीएम ने किया संबोधित, कहा अगले 25 साल तक रहेगी मोदी और शिवराज की सरकार। डीएम के भाषण को लेकर अब मचा बवाल, कांग्रेस ने कहा बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे जिलाधिकारी। रेप आरोपी के पिता कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल ने अधिकारियों को दी धमकी, कहा हमारी सरकार आने पर कहां गायब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबियत बिगड़ी, चेस्ट में संक्रमण की वजह से रांची के मेदांता में भर्ती। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय की याचिका पर फैसला सुरक्षित, राज्यपाल ने प्रकरण में नोटिस भेजकर रोक लगाने की मांग की। अहमदाबाद में अर्बन 20 समिट का आयोजन, 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन कई देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। याचिका के जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा मस्जिद के अंदर महिलाओं के लिए जगह और वॉशरूम की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पीएफआई मामले में अबू आजमी का बयान, कहा जो भी शख्स मुस्लिम या हिंदू राष्ट्र की बात करता है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष पर मामला दर्ज, सोमनाथ मंदिर पर अभद्र टिप्पणी करने पर सोमनाथ ट्रस्ट ने दर्ज करवाया मामला। 7000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा डिज्नी, 5.5 बिलियन डॉलर की बचत के लिए उठाएगा कदम।
सर्वाइकल कैंसर की मेड इन इंडिया वैक्सीन सर्वर्क तैयार, इसी महीने से मार्केट में 2000 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। भारत में कोविड के घटते मामलों के बाद सरकार ने दी राहत, एयर सुविधा ऐप से सेल्फ डिक्लेरेशन की शर्त हटाई। पाकिस्तान में ईसाई लड़की के साथ बलात्कार, पुलिस से शिकायत करने पर लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका। नासा ने मून रॉकेट इंजन का किया परीक्षण, स्पेस लॉन्च सिस्टम के तौर पर होगा इंजन का इस्तेमाल। तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा 19,000 के पार, 50,000 से ज्यादा लोग घायल। तुर्की पहुंची स्पेन की रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस और बुलडोजर के साथ पहुंचा स्पैनिश जहाज। तुर्की पर कम नहीं हो रहा है कुदरत का कहर, मालातिया इलाके में आज फिर आया भूकंप। उत्तरी सीरिया में भूकंप से टूटा डैम, कई इलाके बाढ़ की चपेट में, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी आ रही परेशानी। सीरिया में करीब 3 दिनों बाद मलबे से बच्चे का रेस्क्यू किया गया, सीरियन सिविल डिफेंस ने जारी किया वीडियो। सीरिया में मलबे में पैदा हुए बच्चे की हालत में आया सुधार, भूकंप के दौरान गर्भवती मां की हो गई थी मौत। तुर्की के रास्ते सीरिया पहुंचा पहला बचाव दल, रेस्क्यू के काम में तेजी आने की उम्मीद। तुर्की के गाजियांटेप शहर में भारतीय बचाव दल ने 6 साल की बच्ची का रेस्क्यू किया, गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। तुर्की के हात्या इलाके में अब तक 424 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। एनएसए अजीत डोवल ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात, भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर की चर्चा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूरोपीय यूनियन के नेताओं से की मुलाकात। यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से बड़ा झटका, ऋषि सुनक ने कहा हम यूक्रेन को नहीं देंगे फाइटर जेट। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में जोरदार धमाका, रूसी हमले के बाद उठता दिखा धुआं। रूस के रेलवे स्टेशन पर थी हमले की तैयारी, रूसी सेना ने हमलावरों को मार गिराया। बेलारूस की सीमा में गिरा यूक्रेन का सैन्य ड्रोन, बेलारूसी सेना ने अपने कब्जे में लिया। अपने सैनिकों को T-80 BVM टैंक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है रूस, जल्द ही युद्ध क्षेत्र में होगी तैनाती। रोमानिया में नेटो ने किया सैन्य अभ्यास, अमेरिका और फ्रांस की सेना ने मिलिट्री एक्सरसाइज में लिया हिस्सा। गुलमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर, भारी बर्फबारी की वजह से जमा हुई 18 इंच बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण एवलांच का अलर्ट, अनंतनाग बांदीपुरा समेत 9 इलाकों में हाई अलर्ट जारी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कश्मीर विंटर गेम्स में 1500 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। गुलमर्ग में क्रिकेट खेलते नजर आए अनुराग ठाकुर, बर्फबारी के बीच की बल्लेबाजी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की हालत पस्त, पहली पारी में 177 पर ऑल आउट हुई टीम। रविचंद्रन अश्विन के 450 टेस्ट विकेट पूरे, पहली पारी 3 विकेट हासिल किए, जडेजा ने लिए 5 विकेट। बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा बेहतर प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को अब मिलेगी ग्रेड 1 की नौकरी। राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर फोर्ट में हुई स्मृति ईरानी की बेटी की शादी, राजस्थानी गाने पर कपल ने किया डांस। शलन और अर्जुन भल्ला की शादी के लिए सजा खींवसर फोर्ट, जमकर किया लोगों ने एंजॉय। नवाजुद्दीन मामले पर कल होगी सुनवाई, नवाज पर दर्ज है कुल 3 मामले। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब विकराल रूप ले रहा है, अभ्यर्थियों और बेरोजगारों की संख्या विरोध प्रदर्शन में बढ़ती जा रही है। कल रात हुई मारपीट के बाद आज अभ्यर्थी हजारों की संख्या में देहरादून की सड़कों पर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे, जिससे शहर में चक्का जाम हो गया। ऐसे में पुलिस ने सड़कें खाली करवाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। गुस्साए अभ्यर्थियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी और जवाब स्वरूप पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तितर बितर किया। बिगड़ते हालात के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम ने युवाओं को आश्वस्त किया है कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा करना सबसे पहला दायित्व है, नकल रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शैलिन आज शादी के बंधन में बंध गई, राजस्थान के नागौर में धूमधाम से शादी हुई। शैलिन ने कनाडा मूल के NRI अर्जुन भल्ला के साथ सात फेरे लिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शंख भी बजाया। अर्जुन सफेद शेरवानी में दूल्हा बनकर पहुंचे, जबकि शैलिन ने लाल रंग का जोड़ा पहना था। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट को लेकर भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है और अब दावा किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 60 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।
बता दें देश में पहली बार समुद्र के नीचे सबसे लंबे मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र में सुरंग बनाई जाएगी। 21 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनाई जानी है और ये प्रोजेक्ट 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत देश में पहला अंडरसी टनल तैयार हो रहा है बुलेट ट्रेन के लिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए यूपी सिंह सर जी हैं हमारे साथ, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर, अगर एक्सप्लेन कर पाएं कि किस तरह की तैयारियां होंगी, कौन कौन सी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि ये पहला अंडरसी टनल होगा भारत के अंदर। देखिए, 21 किलोमीटर लंबा टनल है जो यहाँ बनने वाला है पहली बार। आपको इस ड्रॉइंग के सहायता से मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये बीकेसी लोकेशन है जहाँ पर हम आज खड़े हैं, अभी खड़े हैं, और यहाँ से लेकर के सिल्फ आटा, ये 21 किलोमीटर का लंबा पैच है जिसको हम लोग टनल से जोड़ने वाले हैं।